स्टूडेंट्स तो हम लोग पढ़ रहे थे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें हमने जेंडर और रिलीजन को डिस्कस कर लिया था, और रिलीजन में फिर हमने बाद में देखा था जो रिलीजियस इश्यूज होते हैं, जो रिलीजन को एक्सप्रेस करने की चीज़ होती है, उसमें हमने गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि मॉरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी भी रिलीजन की जो मॉरल टीचिंग्स हैं, उसके एथिक्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ना कि उसको रॉन्ग मेथड में हमें पॉलिटिक्स में यूज़ करना चाहिए। उसके रॉन्ग नोशंस को ना यूज़ करके जो मॉरल एथिक्स हैं उसको यूज़ करना चाहिए, और ह्यूमैनिटी ही मान के चलना चाहिए कि ह्यूमैनिटी ही जो रिलीजन है वो सिंपली डिनोट करता है ह्यूमैनिटी को। तो अब इसका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, पॉलिटिकल कनेक्शन, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी वाले इश्यूज हमारे यहाँ उठाए गए हैं कि जो माइनॉरिटी में हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, राइट्स में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उन्हें ही सफ़र करना पड़ता है। तो जो डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं ऐसे लोगों को सेफगार्ड करने के लिए, या इस तरीके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए, तो इसलिए हम और ये सारे जो स्टेप्स हैं वो पॉलिटिकली ही लिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से पॉलिटिक्स और जो रिलीजन का जो कनेक्शन है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो कनेक्शन है। बट जहाँ तक एक्सप्रेस करने की बात है, जहाँ तक उसको यूज़ करने की बात है, तो गांधी जी ने कहा कि इसकी मॉरल वैल्यूज़ जो एथिक्स है उन्हीं को हमें इंकल्केट करना चाहिए। क्योंकि अब और आगे अब बात करें तो डिफरेंट नीड्स हैं, हर ग्रुप की अपनी नीड्स हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं और डिफरेंट रोल वो पॉलिटिक्स में प्ले करते हैं, गलत तरीके से उनका यूज़ भी किया जाता है। अब लेकिन यहाँ पे लोगों की क्या जिम्मेदारी है, एक तो अवेयरनेस है, दूसरा वो जो अपनी नीड्स, जो अपने इंटरेस्ट, जो अपने डिमांड्स वो एक्सप्रेस करते हैं थ्रू पॉलिटिकल लीडर्स, वो भी एक जस्टिफाइड मैनर में होनी चाहिए। हमने बात की डिमांड्स की, डिमांड्स या जो नीड्स हैं, जो उनके डिज़ायर हैं अपने रिलीजियस बिलीफ को लेके, या जो भी उनके रिचुअल्स हैं उनके उनको परफॉर्म करने को लेके, तो जितनी चीज़ें हैं उसको बढ़ाने के लिए, तो जितनी चीज़ें हैं ये जो राइट्स मिलते हैं पॉलिटिकली ही मिलते हैं, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वही कानून बनाती है। तो रिलीजियस कम्युनिटी को भी इसमें थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि जो पीस एंड हारमोनी जो कंट्री की है वो मेनटेन रहे। अब जो पॉलिटिकल पावर में है वो भी क्या करते हैं कि कभी कभी इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से उनको इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, और इसको एक एडवांटेज के फॉर्म में देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। इस डाइवर्सिटी को वो अपने वोट बैंक बनाने के लिए इसका मिसयूज़ भी करते हैं। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को पावर देता है, स्टेट को पावर देता है कि वो जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पीसफुल मैनर में रिजॉल्व करे। पीसफुल मैनर में इन चीज़ों को रिजॉल्व करें, और जितने भी डाइवर्सिटी है रिलीजियस डाइवर्सिटी उसको मेंटेन करें, और किसी भी रिलीजन को ये ना लगे, लोगों को ये ना लगे कि हमारे रिलीजन को इंफीरियर डिक्लेयर किया जा रहा है या वो सुपीरियर हैं, इस तरीके की फीलिंग्स लोगों के बीच में ना आए। और जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तभी नया नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारी टॉपिक है कम्युनलिज्म का, ये चीज़ें अराइज होती हैं जब भी इस तरीके की जो इश्यूज हैं उसको उठाया जाता है और रॉन्ग मैनर में इनको यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे कम्युनलिज्म का नाम आता है। ये कम्युनल फीलिंग को और कम्युनल राइट्स वगैरह कराने में इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है।
रॉन्ग मैनर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्युनलिज्म। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जितनी भी चीजें अभी हमने बात की रिलीजन को लेके, अब किसी को रॉन्ग नोशन में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म। जब भी रिलीजन को हम बेसिस देखते हैं नेशन का, अब नेशन के लिए जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पे नेशनैलिटी आती है, नेशन सभी का ही है, सभी सिटीजन हैं इंडिया के, लेकिन अगर हम रिलीजन को सुपीरियर कर देंगे, नेशन के ऊपर कर देंगे, तब वहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जब जो नेशन का जो बेसिस है उसको हम बना दें रिलीजन, यानी सारा कुछ रिलीजन पे बेस कर दें, तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ, नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ था, सेम रिलीजन मानने वाले दो ग्रुप थे, यानी सभी क्रिश्चियंस थे, और वहाँ पे दो थे ग्रुप कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स की अपनी सोच थी, प्रोटेस्टेंट्स की अपनी सोच थी। कैथोलिक्स शायद ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, रिलीजन से ज़्यादा करीब थे, और प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक ज़्यादा रिच भी नहीं थे, प्रोटेस्टेंट शुरुआत से ही रिच थे, और उनकी जो फीलिंग थी वो डोमिनेट करने वाली थी, और इसी का फ़ायदा इंग्लैंड ने उठाया और प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया, और एट लास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट हो गया, जो वहाँ की डबलिन पार्लियामेंट थी उसको ख़त्म किया गया और वो यूके का पार्ट हो गया। तो इन जगहों पे यहाँ पे नुकसान भी होता है, पार्टिसन टर्म में इनको यूज़ भी किया जा सकता है किसी एक रिलीजन को, और एक फॉलोअर्स कुछ एक के फॉलोअर्स को फेवर किया और दूसरे को वहाँ पे उन्होंने दबाया, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसका मेन जो बैकग्राउंड है वो क्या है, सुपीरियॉरिटी। सुपीरियर, एक रिलीजन को सुपीरियर डिक्लेयर करना और दूसरे को इन्फीरियर, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। चलिए तो अब इसमें और बारे में आगे बात करते हैं। तो कम्युनल पॉलिटिक्स और कम्युनलिज्म की डेफिनेशन एक लाइन उस पर लिख लेते हैं, द मैनर of using religion in politics is communal politics। तो ये है communalism, ये बेस होता है आइडिया पे कि रिलीजन, एक रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक पर्टिकुलर सोशल कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं वो सुपीरियर हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग को भी यहाँ पे एड्रेस करता है। फॉलोअर्स जो हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के, वो बिलीव करते हैं एक कम्युनिटी में, दूसरे फॉलोअर्स अदर कम्युनिटी बना लेते हैं, और वहाँ पे अगर सुपीरियॉरिटी वाली चीज़ें, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तब इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़े शुरू होते हैं। फंडामेंटल जो इंटरेस्ट है दोनों का सेम है, क्योंकि सभी पीपल ऑफ इंडिया हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन ए के हों या रिलीजन बी के हों, इनकी अपनी बिलीव्स हैं और इनकी अपनी बिलीव्स हैं, अपने कल्चर हैं, अपने ट्रेडिशन हैं, अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन है, अपना वे ऑफ वर्शिप है, बट जहाँ पे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है वहाँ पे दिक्कतें शुरू होती हैं। बट दोनों के जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो सेम है। अब डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोगों के बारे में बात करें अगर,
जो ऐसे लोग जो कि डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, वो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंट या सेम कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी को बिलोंग करें। अगर डिफरेंट रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं, अगर उनमें कुछ कॉमनलिटीज़ यानी कुछ चीज़ कॉमन है, तो ये सुपरफिशियल और इमटीरियल हो सकता है। यानी रिलीजन दोनों डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें उनमें कॉमन है, तो ऐसा रेयर ही कभी मिलता है। अब उनके जो इंटरेस्ट हैं, पर्टिकुलर जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। इसलिए अब इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं वो एक जगह पे नहीं रह सकते। डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट अलग अलग आ गए, यहाँ पे थिंकिंग अलग अलग आ गई, आइडियाज़ अलग अलग आ गए। तो थिंकिंग है, आइडियाज़ हैं, रिचुअल्स हैं, तो ये परसेप्शन एक दिमाग में बैठता रहता है कि अगर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के लोग हैं तो वो एक जगह पे नहीं रह सकते। या तो कोई एक डोमिनेट करेगा और दूसरा जो है सफ़र करेगा, वो हमेशा नीचे दबा रहेगा। तो ये फीलिंग, ये एक्सट्रीम फीलिंग है कम्युनलिज्म की, जो कि ये विश्वास दिलाती है कि डिफरेंट रिलीजन के लोग एक जगह पे नहीं रह सकते। तो हमारे यहाँ जबकि ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया हमको फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, हम सेक्युलर नेशन हैं, कहीं पर भी हम रिसाइड कर सकते हैं, कहीं कोई भी हम जो रिलीजन है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, और हमारे कंट्री का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमने अपने आप को ना किसी रिलीजन से डिक्लेयर करके किसी रिलीजन के नाम से नहीं जोड़ा हुआ है, तो हम इस तरीके की फीलिंग्स, कम्युनल फीलिंग्स को फेवर नहीं करते। बट ऐसा होता है पॉलिटिक्स में कभी कभी, इसको रॉन्ग मैथड में, रॉन्ग मैनर में इसको यूज़ किया जाता है।